सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर श्योर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द टॉप paying पेइंग स्पेशलाइजेशन इट कम्स टू एम I mean आई थिंक कॉलेज के बाद जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है दैट इज़ विच वन स्पेशलाइज विच स्पेशलाइजेशन शुड आई चूज और कैसे डिसाइड करूँ तो वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स है जिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दैट वीडियो बट इस वीडियो में यू नो हम बात कर रहे हैं सेवन एम बी ए स्पेशलाइजेशन जिनके पैकेजेस जो हैं वो हाइएस्ट होते हैं तो ये भी एक पैरामीटर है डिसाइड करने का कि मुझे कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए सो लेट्स गेट गिट्सार So, we will start with the very first specialization, and after looking at the specialization, I got literally, literally confused, and that is MBA in International Business because I think there are colleges in India which offer IV, but when I kind of researched about it, agar अच्छे बी स्कूल से कर रहे हो तो इट हैज गॉट लोड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिकॉज यूजुअली आईबी वाले कैंडिडेट्स को हायर वो कंपनी करती हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो जो जिनके जो, क्लाइंट्स ग्लोबली हैं और उनका जो पेइंग कैपेसिटी होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है तो हम बात करते हैं ये टॉप जॉब प्रोफाइल्स की हम बात करें जिसमें अगर आप गवर्नमेंट अफेयर्स डायरेक्टर बनते हो राइट तो एवरेज पैकेज इंडिया में 40 लाख का रहता है अगर आप यूएसए की बात करें तो इट इज़ वन लाख एटी थाउजेंड डॉलर्स यू नो पर एन एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड यू नो मोस्ट हाइएस्ट जॉब पे दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर थर्टीन लाख एवरेज पैकेज इंडिया में एंड यू एस ए में इट्स लाइक वन लाख टेन थाउजेंड यू एस डॉलर्स पर एन एम दैन यू कैन ऑल्सो वर्क एज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर नाइन लाख इज द एवरेज पैकेज इन इंडिया एंड टॉकिंग अबाउट यू एस ए इट्स नाइन्टी थ्री डॉलर्स पर एन एम तो अगर आप देखेंगे तो ये यू नो एवरेज पैकेज अगर आप पर इस प्रोफाइल को पे पहुँचने के लिए इट रिक्वायर्ड लॉड ऑफ एफर्ट्स And you know you need to have certain experience. You have to. I mean, there are so many things which which is needed for sure. If we talk about top colleges, ISB, I IIM cozy code, MDI, Gurgaon Now talking about then we have this specialization, which usually I mean, in India, I think I have seen. एक तरह से ना के बराबर कॉलेजेस बट अब्रॉड में यूल फाइन लॉ ऑफ़ ऑफ यू नो कॉलेज ऑफरिंग दिस तो इसमें अगर आप डायरेक्टर ऑफ स्ट्रैटेजी जहाँ आप, आप कंपनी की मार्केटिंग स्ट्राटेजी प्लान कर रहे हो तो थर्टी नाइन लाख का यू you नो know, जो है वो एवरेज पैकेज है अब्रॉड में वन लाख फिफ्टी थाउजेंड पर एन एम का पैकेज है देन यू कैन ऑल्सो वर्क ए सीनियर स्ट्रैटजी मैनेजर ट्वेंटी थ्री लाख दी एवरेज पैकेज जो कि आपने देखा आई बी से ज़्यादा है पर क्योंकि वहाँ का जो टॉप प्रोफाइल है वो फोर्टी लाख का दैट इज़ द रीज़न इट वॉज देयर ऑन द फर्स्ट वन लाख थर्टी थाउजेंड इज़ द यू नो एवरेज पैकेज इफ़ यू टॉक अबाउट यू एस एंड अगर हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट की बात करें तो सत्रह लाख का एवरेज पैकेज है एंड वन लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का जो है वो यूएसए में एवरेज पैकेज है टॉप कॉलेजेस आई एफ टी एस आई आई बी एम डी आई ऑल दीज कॉलेजेस राइट अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैकसम लिख दिया है और यहाँ पर निर्मा लिख दिया है तो आई मीन माई बी माई टीम रिसर्ज ऑन गूगल और गूगल पर कहीं ना कहीं ये होता है कि आप कॉलेजेस देख रहे होते हो एंड देन यू गॉट ऑल दीज यू नो एवरेज कॉलेज इन बिटवीन टॉप कॉलेजेस और बच्चा ये सोचता है कि यार मतलब अगर ये टॉप के साथ लिखा है दैट मींस डेफिनेटली ये कॉलेज जो है वो टॉप कॉलेज की लिस्ट में आएगा hmm. पर ऐसा नहीं है कॉलेजेस जो हैं वो स्टूडेंट की प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करते हैं एंड इफ यू नो अबाउट दैट नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं And moving to the third specialization, that is MBA in Marketing, which is a evergreen specialization. I think it has a huge scope, and this is a never you know ending kind of a you know market. Always, always, opportunities will Marketing director, twenty-five, uh, four lakh. Product marketing manager, twelve lakh. Brand manager is like ten lakh. And if you see abroad, in the usa one lakh 1 lakh 1 lakh. US dollars per annum. So that's basically about the package. Then इसके बाद फिनास एज ए स्पेशलाइजेशन अगर हम इसमें बात करें प्राइवेट इक्विटी एसोसिएट 15 लाख इज एवरेज पैकेज इन इंडिया इन्वेस्टमेंट बैंक ट्वेल्व लाख इज एन एवरेज पैकेज फिनेंस मैनेजर 14 लाख इज एन एवरेज पैकेज और यही हम अब्रॉड में देखेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम वन लाख ट्वेंटी फोर के डॉलर राइट वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंडर्स एंड वन लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंडर्स पर एन इन यू एस ए विदॉप ऑल द आई एम्स इन दिस लिस्ट एंड देन वी हैव एम बी ए इन आई टी या मैन आई थिंक आई एवरीबडी नोज की आई टी इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं बूम कर रही है एंड यू हैव दिस मल्टीपल अपर्चुनिटीज राइट इन आई टी जिनको आप कहीं ना कहीं ऑप्ट कर सकते हैं एंड अगर हम इसके एवरेज पैकेजेस की बात करिए चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ट्वेंटी फाइव लाख एवरेज पैकेज है प्रोडक्ट मैनेजर एटीन लाख एवरेज पैकेज आई टी मैनेजर फोर्टीन लाख एवरेज पैकेज है और यही अब्रॉड में जो है वो बेरी करेगा इसके टॉप कॉलेजेस ये हैं एंड देन वी हैव द स्पेशलाइजेशन जिसके अगर आप थोड़ा सा टीयर टू टी थ्री कॉलेजेस में ज्वाइन यू विल नॉट फाइंड मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट यहां पर कॉलेज का सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज एम बी इन ऑपरेशन मैनेजमेंट प्लांट मैनेजर पंद्रह लाख ऑपरेशन मैनेजर टेन लाख प्रोडक्शन मैनेजर इज नियर अबाउट टेन लाख एंड अगर आप इन सेम जॉब प्रोफाइल्स का एवरेज पैकेज यू एस एम देखेंगे तो स्टार्ट फ्राम वन लाख टर्टी थ्री थाउजेंड डॉलर्स राइट वन लाख सिक्स थाउजेंड यू नो डॉलॉलर्स पर एनम एंड वन लाख थ्री थाउजेंड डॉलर्स पर एनम सो दैट वज़ अबाउट ऑपरेशन मैनेजर एंड दीज आर दॉलेज एंड देन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी स्पेशलाइजेशन बट इसके लिए यू नीड टू हैव वर्क एक्सपीरियंस बिकॉज इनिशियल पैकेजेस काफ़ी कम होते हैं सप्लाई चैन मैनेजर पंद्रह लाख का एवरेज पैकेज है स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग मैनेजर चौदह लाख का है लॉजिस्टिक मैनेजर नौ लाख का एवरेज पैकेज है और अब रोड में वन लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड डॉलर्स वन लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड डॉलर्स And one lakh dollars, you know, or uh, average packages. These are the colleges, and that's all about this episode. Do not forget to like, share, and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.